नमस्कार दोस्तों, आपको मेरा जो स्मूदी जो एप्पल वुड और वाटर मिनरल का है वो अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल से जुड़े रहना। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लाल बटन को जरूर दबाना, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाना। और मैं आपकी छोटी बहन हूँ तो मुझे ग्रो करने के लिए मेरे चैनल स्मूदी बनाने के लिए एप्पल वुड का बल्ब चाहिए और तरबूज चाहिए और दूध चाहिए। मैंने 200 ml मैंने दूध ली है ताज़ा। आप कोई भी दूध ले सकते हैं और चीनी अपनी सहूलियत के अनुसार लीजिएगा, जिसको कम ज़्यादा मीठा लगे वो यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम बनाते हैं स्मूदी। एप्पल वुड पानी के साथ थोड़ा सा गर्म करना चाहिए। तो हमने थोड़ा पानी डाल दिया, अब हम इसे थोड़ा सा हिलाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ हम ये पानी में दूध दे देंगे। तो हम 200 ग्राम, मैं 200 ग्राम दे रही हूँ, आप जितना चाहे दूध दे सकते हैं। मेरे पास 200 ग्राम का ही दूध है, मैं ताज़ा दूध डाल दी हूँ, पूरी मैं डिब्बी डाल दे रही हूँ। आपको अगर पल्प निकालना नहीं आता ये एप्पल वुड का, तो मेरे जो आइसक्रीम मैंने एप्पल वुड की बनाई थी वो वीडियो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा ये कैसे निकाला जाता है। क्योंकि मैंने जब मुझे वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना, इसीलिए मैंने पहले से मैं इसको पल्प निकाल कर रखी हूँ। तो इसी तरह से आपको दोस्तों ये जो पल्प है, जो एप्पल वुड का जो पल्प है, ये थोड़ा सा गाढ़ा होता है, तो इसमें थोड़ा सा पानी मिलाइएगा, नहीं तो ये ज्यादा ठीक हो जाता है, तो स्मूदी अच्छा नहीं बन पाता है। तो चलिए, हमारे स्मूदी के लिए तैयार हो चुका है। अब हम इन्हें मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। आधी रेडी हो चुकी है, अब इसको थोड़ा सा पैन में ठंडा कीजिए, क्योंकि मिक्सी में जब हम डालेंगे थोड़ा ठंडा होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इस तरबूज को काट लेंगे। आप कैसे भी करके काट कर डाल दीजिएगा। इसको जार में डाल देंगे। मेक श्योर आपको जूसर होना चाहिए जार में। देखिए मिक्सी में इस तरह से आप ये ग्राइंड कर लीजिएगा। देखिए स्मूदी बन रहा है, बढ़िया सा टेस्टी सा बना है। ये हमारा स्मूदी बड़ा ही बढ़िया सा बन चुका है। ये देखिए